आज मैं आपको मठरी बनाना सिखा रही हूँ। हाँ? इसमें मैंने मैदा ली है, सूजी ली है और आटा लिया है। मैं सूजी को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, फिर इसमें मैंने नमक डाला स्वाद अनुसार और नागौरी वाली मेथी अजवाइन डाली है। ओके। फिर इसमें मैंने मोरन डाला है कि मोरन डाल के इसमें मैंने ऐसे किया कि मुठरी बन जाए। हाँ? इतना डाल दिया। फिर हाँ? नवाया पानी लेके मेरे को इसमें आटा लगाना है। हाँ? आटा लगा दिया। आटा लगाया तो देखो इसका ऐसा पेस्ट बन जाएगा पूरा एकदम टाइट वाला। फिर मैंने इसकी छोटी छोटी लोई बना ली। लोई हाँ? बना के फिर मैंने इसको हाथ से ऐसे छोटा छोटा बेल लिया। फिर मैंने इसमें नाइफ से छोटे छोटे होल्स कर दिए। आंटी अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ओके। और डीप फ्राई करते वक्त अपन ध्यान रखेंगे कि जैसे ये सब थोड़ी थोड़ी सी ऊपर आने लग जाएगी तब इनको हम पलट देंगे। देखिए मैं इसको पलटी खिलाऊंगी और अपन को ध्यान रखना है कि गैस को एकदम सिंक पे धीरे रखना है। ओके। वेरी नाइस। जब तक सेकना है अपन को जब तक ये सुनहरी नहीं हो जाए। सुनहरी होगी देखो ये सुनहरा कलर हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे। ओके। और साइड में से करके धीरे धीरे निकालेंगे ताकि ऑयल भी नहीं आए। देखो ये कितनी खस्ता बनी है, इनमें सब में लेयर भी बनी हुई है और ये काफी टाइम तक चलेगी क्योंकि इनमें ऑयल भी नहीं है बिल्कुल। हाँ मुझे दिखाना जरा। ओहो बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी है ये तो, खस्ता है। और इनको चाय के साथ भी अपन खा सकते हैं, वैसे भी चाय के साथ भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी दिस स्नैक्स। ओके।